सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों प्लास्टिक कार्ड्स को तो आप सभी ने देखा होगा, दोस्तों आप सभी के पास में होगा कोई ना कोई एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड। और यहाँ पे दोस्तों ये जो कार्ड्स हैं ये दिखने में है सबके सब ऑलमोस्ट एक जैसे, जहां पे आपको दोस्तों पीछे मिलती है ये एक मैग्नेटिक स्ट्रिप। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो स्ट्रिप वाले कार्ड से ये काम कैसे करते हैं? आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे इन्हीं कार्ड्स के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये जो कार्ड्स हैं ये सिर्फ आपके लिए एटीएम कार्ड या फिर दोस्तों क्रेडिट डेबिट कार्ड्स नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे आपने इनको देखा होगा और बहुत सी जगहों पे जहाँ पे दोस्तों अक्सर हम काम में लेते हैं इन कार्ड्स को, होटल्स में रूम कीज की फॉर्म में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये जो कार्ड्स हैं ये अक्सर हम काम में लेते हैं ऑफिस में, जहाँ पे दोस्तों एम्प्लॉयज इन कार्ड्स को काम में लेते हैं दरवाजों के आर पार जाने के लिए, या फिर दोस्तों इनफैक्ट ये आजकल हम काम में लेते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में भी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों पहला सवाल है वो तो ये है कि ये दोस्तों ऐसा जो स्ट्राइप वाला कार्ड है ये काम कैसे करता है, दूसरी हम इस पे डेटा को कैसे रीड या फिर राइट कर सकते हैं, और दूसरा अभी तीसरा सवाल है वो ये है कि भाई अभी आपने देखा होगा कि अक्सर आपके रूम का दूसरों कार्ड होता है ना होटल के अंदर, वो काम करना बंद कर देता है बीच बीच में। कभी कभी अचानक से आप जाएंगे अपने रूम में, कार्ड लगाएंगे, गेट नहीं खुलेगा। बाद में दोस्तों हम आते हैं नीचे रिसेप्शन पे, तब वो आपके कार्ड को रिकॉन्फिगर करता है। लेकिन ये जो आपका बैंक का दोस्तों एटीएम कार्ड है ये काम कर रहा है जिस दिन से आपको मिला है उस दिन से बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पर दोस्तों इन दोनों कार्ड्स में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर जो पहली बात है कि ये जो कार्ड है ये काम कैसे करते हैं, तो देखिए अभी आपको चाहिए कुछ डेटा ऑथेंटिकेट करने के लिए कि हाँ भाई ये एक असली कार्ड है और ये आपका कार्ड है। अब वो दोस्तों डेटा है वो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है आपका अकाउंट नंबर है, हो सकता है उसके साथ दोस्तों कोई एक्स्ट्रा पैटर्न है, कोई एक्स्ट्रा पासवर्ड है, कोई बैंक की तरफ से एक सीक्रेट नंबर है। तो वो दोस्तों डेटा है वो आपको बताना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल एटीएम मशीन में, किसी क्रेडिट डेबिट कार्ड मशीन में, तो वहां पे वो जो डेटा है वो आपको कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। और यहां पे दोस्तों हम वो जो डेटा है वो स्टोर करते हैं पीछे इस मैग्नेटिक स्ट्रिप में। सेम तरीका है अगर दोस्तों आप किसी होटल में इसको काम में लेते हैं एज अ की कार्ड, तो ऐसे में दोस्तों वो जो डेटा है जहां पे आप रूम नंबर बता रहे हैं फॉर एग्जांपल, या फिर कुछ और अगर आप सीक्रेट कोड्स लगा रहे हैं, तो वो जो डेटा है वो आपको स्टोर करना है इस मैग्नेटिक स्ट्रिप में। एक बार आपने डेटा को स्टोर कर दिया, जब आपने कार्ड को यूज किया तो सामने रीडर को मालूम चल गया कि भैया हाँ ये सही कार्ड है, तो आपको एक्सेस मिल जाएगी। अगर कार्ड ही नहीं है तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगी। तो सवाल ये आता है कि यहां पे हम इस डेटा को स्टोर कैसे करते हैं। दोस्तों आपने पहले देखा होगा ये कॉन्सेप्ट जो है कुछ नया नहीं है, ये हमने पहले मतलब जो ऑडियो कैसेट्स हम काम में लेते थे, जो दोस्तों वीडियो टेप्स जहां पे मैग्नेटिक टेप्स के अंदर डेटा को स्टोर करते थे, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है। जहां पे हमने क्या किया, हमने इसको दोस्तों अलग अलग सेक्शंस के अंदर इसको ब्रेक कर लिया और ये बना है बेसिकली एक ऐसे मटेरियल से जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। यानी दोस्तों यहां पे हम इस मटेरियल को नॉर्थ या फिर साउथ पोल्स के हिसाब से मैग्नेटाइज कर सकते हैं अलग अलग अलाइनमेंट के हिसाब से। तो यहां पर दोस्तों हुआ ये कि हमारे पास एक होता है राइटर जिसको हम बोलते हैं बेसिकली दोस्तों एक सोलेनोइड, जो कि बहुत ही एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद दोस्तों हमने इसके अंदर बेसिकली आपका डेटा क्या है 0-1 की फॉर्म में है ना, तो यहां पे दोस्तों हमने फॉर एग्जांपल मान लिया कि नॉर्थ को 0 साउथ को 1, तो आपने यहां पे नॉर्थ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, दोस्तों आपने यहां पे सेक्शंस बना दिए हैं जो आपके उस डेटा को स्टोर कर रहे हैं। ये एक बड़ा ही सिंपल कांसेप्ट है। अब यहां पे दोस्तों जब रीडर है उसको कैसे मालूम कि यहां पे डेटा स्टोर क्या किया है, तो जब भी आपने इस कार्ड को स्वाइप किया, तो जब आप कार्ड को स्वाइप कर रहे हैं तो वहां पे दोस्तों जो जो इस कार्ड का सेक्शन आपके उस रीडर के ऊपर से गुजरता है वहां पे ये जो है वो इलेक्ट्रिक पल्सेस को जनरेट करता है, जिनको हालांकि सिग्नल्स वो बहुत ही वीक होते हैं, लेकिन एक बार जब उनको करते हैं एम्पलीफाई तो हमको मालूम चल जाता है कि जो पैटर्न है वो भैया क्या है, 0011010010 जो भी है वो आप पता लगा लेंगे। अब जो मेन डिफरेंस है वो निकल के आता है कि भैया ये जो आपके बैंक वाले कार्ड्स हैं ये लॉन्ग टर्म में क्यों काम करते हैं और जो आपके होटल वाले कार्ड्स हैं वो जल्दी खराब क्यों हो जाते हैं। तो यहां पर दोस्तों जो प्रॉपर्टी है वो निकल के आती है इसी मटेरियल की, कि यहां पर दोस्तों ये जो मटेरियल है ये आता है अलग अलग ग्रेड्स का अलग अलग पर्पसेस के लिए। और यहां पर दोस्तों इस मटेरियल की कोरोसिविटी है वो हम चेंज करते हैं इस तरीके से कि भाई हमको कितना लंबा और कितना ड्यूरेबल यूज करना है। अभी जो होटल वाले कार्ड्स है वो तो ये है कि भैया आज एक गेस्ट को दिया 2 दिन के लिए, बाद में दोबारा चेंज करना है, बाद में मतलब गेस्ट जो वो चेंज होते जा रहे हैं। तो यहां पर जो आपको राइटर वाली मशीन चाहिए वो भी ऐसी चाहिए कि बस वो शॉर्ट टर्म के लिए काम करे, रिसेप्शन को आपने रखी छोटी सी एक मशीन है, कार्ड लगाया, 2 बटन दबाया, रूम नंबर डाला, वो इंस्टेंटली जो है वो कॉन्फिगर कर देगा। लेकिन
जो बैंक वाला कार्ड है यार वो आपको चाहिए कि ऐसा ना हो ना कि आज दिया और 4 दिन में जो है वो कार्ड खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों होता ये है कि जो आपका फोन है, कोई और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, मान लीजिए कोई मैग्नेट ही आ गया है, वो दोस्तों जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं अपने आसपास, ये जो बैंक वाले कार्ड्स हैं ये उससे इफेक्ट नहीं होते हैं। यहाँ पे जो आपने डेटा एक बार राइट कर दिया वो एक तरीके से लॉन्ग टर्म आप समझ लो वो उससे कुछ असर नहीं डालेगा। तो आप ऐसे में अपना फोन और कार्ड जो है वो साथ साथ डाल के कैरी कर सकते हैं अपनी पॉकेट में। लेकिन वो दोस्तों जो लो क्वालिटी वाला मटेरियल मैंने यूज किया है होटल वाले कार्ड में, वहां पे अगर आपने इसको रखा अपने फोन के पास, अपने कैमरा के पास, या फिर दोस्तों अपने मान लीजिए किसी मैग्नेट के पास या किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास में, तो वो दोस्तों जो फील्ड प्रोड्यूस करता है उसके चलते यहां पे इसके जो डेटा है वो हो जाएगा करप्ट और उसके बाद में वो काम नहीं करता है। लेकिन क्योंकि हम उसको राइट कर सकते हैं बड़े ही आराम से, बड़े ही आसानी से, उनकी कॉस्ट बहुत ही कम है, तो आप जाएंगे रिसेप्शन पे वो आपके लिए फट से राइट कर देगा। जबकि ये दोस्तों जो कार्ड्स हैं इनको बनाने के लिए हमको स्पेशलाइज्ड टूल्स चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस कार्ड को बनाने के लिए अगर आपको लॉन्ग टर्म यूज का एक हाई क्वालिटी का दोस्तों कार्ड चाहिए तो आप घर में बना लेंगे। लेकिन दिक्कत दोस्तों इन सभी कार्ड्स के साथ में ये है कि इनको हम कॉपी कर सकते हैं बड़े ही आराम से। अगर आपके पास में एक रीडर है, उस रीडर को दोस्तों अगर आप लगाते हैं इस कार्ड को, स्वाइप जब करते हैं तो आपको इसका जो पैटर्न है वो मालूम चल जाता है। एक बार आपको अगर उसका पैटर्न मालूम चल गया तो आप एक लो क्वालिटी का कार्ड तो एटलीस्ट बना ही सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म काम ना करे, लेकिन आप इनको रेप्लिकेट कर सकते हैं बहुत ही आराम से। और इसी के दोस्तों बाद में यहां पे जो चिप वाले कार्ड्स हैं इनको हम यूज करते हैं, जहां पे दोस्तों होती हैं स्पेशलाइज्ड चिप्स, और ये जो चिप्स हैं इनके चलते यहां पे इनको कॉपी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहां पे जो चिप वाले कार्ड्स हैं वो हम बाद में चल के काम में लेने लग गए हैं। लेकिन फिर भी जो होटल्स वाला कांसेप्ट है वहां पे ये है कि यार सस्ता चाहिए, क्या इतनी दिक्कत है, 2 दिन के अंदर गैस निकल जाएगा, केवल कमरे का दरवाजा ही है। तो हमने एक सस्ते वाली टेक्नोलॉजी को काम में ले लिया, जिससे उसको रीराइट कर सकते हैं बहुत ही आराम से और काम बन जाता है बहुत ही कम पैसे में। और लॉन्ग टर्म में ना चले तो ना चले, गेस्ट आएगा हो जाएगा परेशान, कार्ड हम चेंज कर देंगे, बात खत्म, किस्सा खत्म। तो ये है दोस्तों कंप्लीट कहानी इन मैग्नेटिक कार्ड्स की। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।